कहते हैं कि अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए तो वो उसके लिए ताजमहल तक बनवा देता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जहां प्यार में एक शिक्षक ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल तो नहीं बल्कि 1.5 करोड़ रुपए के मंदिर का निर्माण करा दिया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर का है। जिले के उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ाने वाले बीपी चंद्रौसिया की पत्नी की 30 नवंबर 2016 को मौत हो गई थी। इसके बाद वो काफी टूट गए थे, मगर पत्नी का प्रेम ही उनके लिए सबसे बड़ी ताकत था, जिसको जीवंत रूप देने के लिए उन्होंने मंदिर बनवाने का फैसला लिया। उन्होंने 32 साल की संपत्ति का करीब 1.5 करोड़ रुपए राधा कृष्ण का मंदिर बनवाने में अर्पित कर दिया, जिसके बाद हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। वहीं इस बारे में जब बीपी चंद्रौसिया से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि पत्नी की इच्छा थी कि चित्रकूट में मंदिर बनवाया जाए, लेकिन उससे पहले ही उनका निधन हो गया, जिसके बाद 2017 में मैंने मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। मंदिर को बनाने में 6 साल का वक्त लगा। इसे बनाने में मैंने 32 साल की तनख्वाह लगा दी है। हमारी श्रीमती जी का विचार था कि चित्रकूट में एक राधा कृष्ण जी का मंदिर बना के आश्रम बनाया जाए, लेकिन उसी समय जब हम लोगों ने सोचा तो हमारी पत्नी का देहांत हो गया, तो उसी की प्रतीक के रूप में, उनके प्रेम के प्रतीक के रूप में हमने राधा कृष्ण का मंदिर नरसिंह धाम छतरपुर में बनाने का 13 मई 2017 को संकल्प लिया। जे हमने 6 वर्ष 7 दिन इस मंदिर को निर्माण कार्य में समय लगा है और लागत लगभग मेरी 32 साल की तनख्वाह पूरी मैंने इसमें लगा दी है। अनुमानित लगभग 1.5 करोड़ रुपया लग चुका है। हम इसमें राधा कृष्ण जी और राधा जी की सखियां ललिता विशाखा और उनके साथ में गणेश जी और परशुराम जी। राधा कृष्ण जी प्रेम के सागर हैं और प्रेम के प्रतीक हैं। उन्हें केवल प्रेम प्यारा है, प्रेम की ही उन्होंने पूरी लीला की है। सदियों तक याद रखें और हमारे पत्नी जो स्वर्गवासी हो गई थी उनकी आत्मा को शांति मिले। कुछ भी हम बनाते तो हमारे उस पर बच्चों का अधिकार होता। हमने ये मंदिर बना करके हम 29 तारीख को समाज के नाम संकल्प कर देंगे। ये समाज के लिए एक दिशा देने का काम करेगा और समाज इसके लिए दर्शन करके आनंद की अनुभूति प्राप्त करूँ। मैं समाज के अपने युवा वर्ग को ये संदेश देना चाहता हूँ कि शादी के बाद जो बंधन होता है उसमें केवल प्रेम ही सब कुछ है और छोटी छोटी बातों में प्रेम को न छोड़ा जाए और न पत्नी को छोड़ा जाए। बहरहाल टीचर पति का अपनी पत्नी की याद में राधा कृष्ण का भव्य मंदिर निर्माण कराना वास्तव में निश्चल प्रेम का प्रतीक है, जिसके चलते ही इन दिनों हर शख्स की जुबान पर इन टीचर का नाम है। छतरपुर ही नहीं बल्कि पूरे सूबे में उनके प्रेम की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। हालांकि प्रेम के प्रतीक इस मंदिर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।